अब बात कर लेते हैं पानीपत की। पानीपत में कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए सालों से गुहार लगा रहे हैं, पर हुआ कुछ नहीं। अब पंचायती राज चुनाव का ऐलान होते ही ग्रामीणों की तीखी प्रक्रिया बाहर आने लगी है। अगर आप इसे सुनेंगे तो आपको दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा। जरा देखिए इस रिपोर्ट को। में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन कई बार लगता है कि यहाँ दिए तले अंधेरे वाली स्थिति है। बहुत सारे इलाकों में ऐसा लगता है। पानीपत का ये भैंसवाल रोड है जहाँ दोनों तरफ फैक्ट्रियां हैं और इन फैक्ट्रियों को चलाने वाले बड़े बड़े सेठ हैं जो नेताओं को हाथ डालने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। आज उनके इलाके की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। पानीपत का नाम तो कहते हैं पानीपत सोनीपत, मतलब जो पत है ना, ये पानीपत पानी के लिए मशहूर है और बिना बारिश के हम देख रहे हैं पानी पानी है। फिर पानी बहुत है जी, पानी की कमी तो है नहीं, भले गंदा हो पानी तो है। मैं कई महीने पहले भी यहाँ से निकला था, यही स्थिति थी, आज भी यही स्थिति है। 4-5 साल से है जी, 4-5 साल से। नहीं तो यहाँ से जाओ जरूर है, लेकिन बाईपास निकल जाओ, उनके पास और भी रास्ता, हमारे पास रास्ता। आपने भी दम नहीं, नेता तो बाईपास चले जाते हैं। दम तुम्हारा निकाल दिया ना, दम तुम्हारा निकाल दिया। कोई निकला दम आपका? कोई सुनता ही नहीं, अफसर को कह लो चाहे किसी को कह लो, कोई सुनने वाला तो है नहीं। संजय पाटी यहाँ खुद आए थे, आके वो आश्वासन दे गए थे, बोले भाई मैं इसको जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा, जल्दी से जल्दी इसके बनवाऊंगा। आए थे वो, उसने आश्वासन दे रखा है, लेकिन अभी तक तो कुछ होया नहीं। कितने टाइम पहले की बात है? लगभग 6 महीने पहले आए थे। जैसे स्कूल की बस है, ये बहुत टाइम से स्थिति खराब है। कहाँ कहाँ शिकायत किया आपने, किन से गुहार लगाई कि ये हमारा काम कराओ, सड़क बनवाओ, साफ कराओ? बस मुखिया जी से ही कहा, इन्होंने पड़ोसियों से कहा, तो काफी बुलाए भी थे, पीछे मीडिया वाले बुलाए थे, तो उसके बाद फिर कोई और किसी ने की नहीं। और सब परेशान है, बच्चे भी, घरों में भी यही हाल है लोगों के, जो है सारा गंद मोटरसाइकिल के जूतों के थ्रू घरों में भी जाता है और फैक्ट्री में भी जाता है। कहीं से भी ऐसा नहीं, जो कोई अपनी गाड़ी निकाल ले जाए या बाइक पर चला जाए, आदमी गिरता पड़ता जाता है। ये तो फैक्ट्री वाले कार में बैठ के निकल जाते हैं, आप तो साइकिलों पे पैदल भी निकलते हो। मेरे का आप क्या समझते हो, कैसे कैसे मतलब आना जाना होता है आप लोगों का? बस पैंट ऊपर चढ़ा के चले जाओ और क्या करे। पैंट ऊपर चढ़ा कर चले जाओ, भीगते हुए। राजनेताओं से मिलते जुलते हो, आपके कपड़े भी बता रहे हैं कि नेतागिरी में कमी नहीं है, लेकिन अपना काम करवाने में क्यों नहीं कामयाबी? नहीं, अपना काम करवाते, जो हमारा एरिया है ग्राम पंचायत भैंसवाल का है, और इसके अंदर जो ग्राम पंचायत सक्षम है खुद बनवाने के लिए, लेकिन उन्होंने फुर्सत ही नहीं दूसरे कामों से, क्या करे ना करे, ना तो कभी आवाज उठाते और ना भी मौके पे है। आप देख सो, कभी आज तक, इससे पहले आप आए थे तभी मौके पे थे ना, आज मौके। कौन कौन नहीं थे? सरपंच जो पहले नहीं, ऐसा तो नहीं, अब इलेक्शन हो गए शुरू, अब इसलिए आप कह रहे हैं? हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं, हमारा गांव से बीसी के अंदर है और ना ही हम चुनाव फाइट कर रहे हैं, लेकिन हम तो एक अपने जनता की आवाज है, जो गांव की आवाज, जो सच्चाई कह रहे हैं। लोग बड़े बुरा हाल है, बहुत तंग है, 4-5 साल से ऐसा ही है और बुरा हाल है बिल्कुल। बल्कि आज तो वो है, अगर बारिश हो जाए, पानी बिल्कुल ही, सब परेशान हो जाए कि कई बार तो गड्ढा, जो मोटरसाइकिल आप चलो दिखाता हूँ मैं, पानी के अंदर गड्ढा है, अब बाइक है, वहीं बाइक गिरेगी भी। कहीं बड़े लेडीज, जो बच्चे जो कैसे तैयार होकर जाते हैं, जाओ भाई अपने स्कूल जाओ, पानी पर जाओ, कुछ काम जाते हैं, वहीं पे गिर कर जाओ। इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर बच्चे गिर के 2 बार अंदर घुस के निकाल ले इसके अंदर से। लोग तो गाड़ी से बाइक से निकल जाते हैं, जो लेडीज यहाँ कम से कम 1000 लेडीज पैदल काम पे जाती है सुबह, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, इसमें गिर के ये शिविर रहा है। आपके नेता है विजय जैन, उनकी फैक्ट्री भी यही है, मैंने देखी हुई है। मेरे को लग रहा है विजय जैन तो अब पार्षद से विधायक बनने के चक्कर में रोज खुला दरबार लगा, समस्याएं सुनती हैं। ये समस्या उनके सामने कभी रखी गई है? उनकी भी फैक्ट्री यही है? नहीं, उनके पास नहीं रखी जाती है। विजय जैन जी को नहीं पता जहाँ मेरी फैक्ट्री है यहाँ? पता नहीं। उसने, विजय जैन जी ने कई बार कोशिश करी है, पानी निकलवाया, अपने पास से पैसे दे गए, पानी निकलवाया, गाड़ी भेजी, पानी निकलवाया, पानी से कब तक समाधान होगा? जितना उसके बस का था उसने अपना काम किया। बीजेपी की पूरी फौज है पानीपत में, 2 सांसद हैं, 2 विधायक हैं, बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन लगता है समस्याओं को देखें तो लगता है कि दिए तले अंधेरे वाली स्थिति है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।